आइए देखते हैं क्या है मामला। मधुबनी के आदर्श नगर कॉलोनी में महीनों से जलजमाव, आक्रोशित मोहल्ला वासियों ने वोट बहिष्कार का लिया निर्णय। नगर परिषद क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में तकरीबन 4 माह से जलजमाव है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने समस्या को लेकर पूर्व में सड़क जाम किया था, तो डीएम ने शीघ्र नाला और सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया। डीएम के आश्वासन के 1 माह बाद भी समस्या से निजात नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आदर्श नगर मोहल्ला के दर्जनों लोगों ने सड़क जाम कर जिला प्रशासन प्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों की माने तो सड़क नाला नहीं बनी तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाए। दिन समाहर्ता मधुबनी के द्वारा आश्वासित कयल गेल छले जे अहाँ सबके रोड नाला के शीघ्र व्यवस्था कऽ देल जायत, लेकिन हुनका द्वारा हुनके आदेश के पालन नहीं कयल गेलनि। तैं हमरा सबके हाथ में तो कोनो शस्त्र नहीं है, या शस्त्र जे वोट हम नहीं देब, अहाँ रोड नहीं तो हम वोट नहीं। बस 6 महीना तक लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए महिला बच्चे जितने भी लोग हैं सबके घर में सांप बिच्छू सब आ जाते हैं। इसलिए इस बार समस्त आदर्श नगर कॉलोनी वासी सब लोग एकजुटता के साथ यह प्रण किए हैं कि इस बार जब तक नाला और रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। मोहल्ला वासी जीवस ठाकुर की माने तो महीनों से जल जमाव से महिला और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब महामारी भी फैलने लगा है, विषैले जीव जंतु से भी हमेशा खतरा बनी रहती है। किए थे डीएम साहब आश्वासन दिए कि हम आपका नाला पानी हटने के बाद 1500 फीट नाला का हम आपका वादा करके गए कि नहर तक हम जोड़ेंगे, लेकिन वो काम भी नहीं किए। हम लोग आज इतना हम लोग का जब बरसात आती है या 6 मंथ हम लोग को आने जाने में प्रॉब्लम होता है, महिलाओं को घर से निकलने में प्रॉब्लम होता है, बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग इस बार वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग को रोड डीएम के आश्वासन के बाद भी जल जमाव से लोग परेशान है। सांसद विधायक वोट लेने के बाद इलाके में दोबारा नजर नहीं आते, जिसे लोगों में काफी आक्रोश है। नहीं तो नहीं। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन।